कामराज जी को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ, वो आए और मैं सबसे पहले अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हूँ और आप लोगों के जो दो साल के साथ जो संबंध रहे और जो खट्टी मीठी कुछ यादें रहे, कुछ अच्छी, कुछ इधर उधर की, कुछ बाहर की, बाहरी दुनिया की, सभी प्रकार की एक अलग तरीके का माहौल रहा। अच्छी बात यह रही कि कुछ ऐसे लोग भी मिले जो बहुत दूर दूर से क्षेत्रों से आए और इतने घनिष्ठ मित्र बन गए कि शायद अब उतनी दूरियां ना के बराबर रह जाएंगी, बिल्कुल खत्म, पास आ गए। यानी ये सबसे अच्छी चीज भीड़ की यही रही कि हम लोग इतनी दूर दूर से जगह से आए और सब एक पास होके रह गए और शायद भविष्य में भी एक साथ रहेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात हमारे लिए यही है कि हम लोग और लगातार सबसे एक अलग चीज जो शायद आप लोगों ने हर चीज कंपटीशन की लगातार तैयारी कर रहे हैं और इनके साथ मेरा एक अनुभव है, मेरा अलग अलग कोचिंगों में पढ़ाने के साथ जो अनुभव आया वो क्या है, मैंने एक चीज देखी कि लगातार सबसे ज्यादा जो समस्या क्रिएट हो रही है वो इस बात को लेके हो रही है कि आप प्रेशराइज हो जा रहे, डिप्रेस हो जा रहे। मेरे पास बहुत ज्यादा फोन इस बात के लिए आए कि सर परेशान है या किसी चीज को लेके परेशान, अलग अलग चीज हो सकता है, आपका घरेलू मैटर हो सकता है, आपका किसी अलग चीज को लेके मैटर हो या किसी भी प्रकार का, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है आप अपने आप को मैनेज कैसे करें। तो इसका एक सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है जो मुझे लगता है और मेरे हिसाब से सबसे बेहतर, उसमें ये कि आप अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने लिए 2 मिनट का टाइम निकालें या 3 मिनट कभी भी या 1 हफ्ते बाद अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें और अपने आप को थोड़ा सा रिव्यू करें। शायद आप उससे ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और हर चीज को लेकर परेशान होना छोड़ दें। समस्याएं हैं, अगर आप दुनिया में जी रहे हैं तो समस्याएं लगातार बनी रहेंगी और कभी खत्म नहीं होंगी, बस खुश रहें, मस्त रहें। जिंदगी के बस दो फॉर्मूले जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूं, एक डोंट वरी बी हैप्पी जो है, दूसरा मजा लो कम पड़े तो और मतलब अगर लगता है कि हाँ मजा नहीं आया तो और बढ़ो, मतलब अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर पाओ, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया तो सबसे ज्यादा आप वापस की तरफ मूव करेंगे वरना आप हमेशा बैकवर्ड की तरफ मूव करते रहेंगे। तो ये और इसी क्रम में आज हमने देखा हमारा मन संचालन का कार्यक्रम लगातार एक प्रभावी ढंग से 2 सालों में बेहतरीन प्रभाव के साथ और एक प्रभावी व्यक्तित्व के साथ मंच का संचालन करने वाले वीरेंद्र शुक्ला जी को हम इस बात के लिए सम्मानित करना चाहेंगे और उनका मर्यादा प्राप्ति करना चाहेंगे। एक ही मैम काफी उसी माले के फूल हैं सर, हम इसको विराम को ले चलते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, शायरी वायरी लेकर मैं काफी बदनाम हूँ, तो जब मैं पढ़ने में सबसे बड़ा कमजोर रहा हूँ, इंटर में पढ़ के भी हुआ हूँ और बीए में भी पढ़ने नहीं आया, मैं बहुत पढ़ने कमजोर छात्र रहा हूँ, तो जब मुझे पहली बार बोलना था तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं शायरी वगैरह सुनाऊंगा तो पता नहीं मेरी कैसी इमेज बनेगी, लेकिन आमा मैंने हमेशा किया कि शायरी मत ही सुनाता है, बहुत मोटिवेट किया। समापन करना चाहूंगा और दावा करता हूँ अगर पूरा मैदान पूरा ये सभागार नहीं उछला दो दो पे तो कल से मंच का संचालन करना छोड़ूंगा। अरे गजब ऐसा था, ये इसको हम आकार सब समझ करते हैं। देव पालकी
दुल्हन की, देख पालकी जिस दुल्हन की, बहक उठा हर एक बराती। वाह। देख पालकी जिस दुल्हन की, बहक उठा हर एक बराती। इतनी सुंदरता है कि पालकी देख के हर बराती बहक रहा है, कि देख पालकी जिस दुल्हन की, बहक उठा हर एक बराती। द्वार उठे का जिसके घूंघट, रब जाने उसके क्या कहने। क्या बात है, क्या बात है, उठेगा जिसके घूंघट, द्वार उठेगा जिसके घूंघट, रब जाने उसपे क्या बीतेगी। एक रोज स्वप्न में छूकर, एक रोज स्वप्न में छूकर, तन मन चंदन मन कर डाला, जो सच में वो छुआ जाएगा उस पर। हर पारी का एक अंत होता है, हर किरदार का अभिनय समाप्त होता है, हर रंगमंच का पर्दा गिरता है, हर आसमान को छूती पतंग को एक दिन कचरे के ढेर में जाना होता है, और पहाड़ों का सीना चीर कर निकलने वाली नदी एक दिन अपना अस्तित्व खो देती है। तो आज हम आखिरी बार विदा हो रहे हैं। हम गुप्ता सर से कहेंगे, हमारे सीनियर प्रोफेसर हैं, कि धन्यवाद ज्ञापन करें। स्वागत है गुप्ता सर। धन्यवाद सर जी, कह दीजिए। मैम को बुला लो भाई। मैडम कितना दिखाओगे जाने के, कितना खाते हैं टीचर यहाँ। मैडम बुला लो, आ जाओ।